हाउ टू कम्प्लीट 50 चैप्टर्स इन 4 डेज, मतलब 50 चैप्टर्स 4 दिन में कम्प्लीट करने। अगर 5 दिन बोलते तो फिर भी हम 10 और 10 10 10 10 10 कर लेते, लेकिन 4 दिन में 50 चैप्टर कम्प्लीट करने का टारगेट दिया इन्होंने। तो आपकी क्या राय है इसमें कि क्या 5 दिन में 4 दिन में 50 चैप्टर किए जा सकते हैं? अब ये इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि इनकी प्रिपरेशन किस लेवल की है ऑलरेडी। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है और आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आप 50 के 50 चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो भी मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर मुश्किल थोड़ा इसलिए है क्योंकि टाइम हमारे पास जो है, अभी भी तुम्हें स्कूल भी जाना होगा, ठीक है ना, सारा काम करना होगा, उसके बाद जो भी बाकी का होमवर्क वगैरह मिलता है वो भी करना होगा। तो या तो तुम क्या करो, बाकी सारी एक्टिविटी को साइड में कर दो, सिर्फ चैप्टर्स पर फोकस करो, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और ये सर, इसमें ये होता है कुछ बच्चे पूरा सिलेबस करने के चक्कर में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। सर इसका एक सजेशन मेरे पास भी है कि हम 40-60 का रेशियो करें, कि 40% छोड़ दें और 60% कोर्स लेके चलें, जिसमें भी ये ट्रिक लगा सकते हैं कि हम पहले दिन वो चैप्टर्स करें जो आसान है। हमें पता है कि यार 50 चैप्टर है जिसमें से 10 चैप्टर आसान है, तो पहले दिन में वो चैप्टर कर ले या पहले 2 दिन में वो चैप्टर कर ले, फिर अगले बाकी दिन में वो चैप्टर करें जो हमको थोड़े बहुत आते हों, है ना, और लास्ट में उनको देखें जो हमने बिल्कुल ही कभी देखे ना हो। अगर बाई चांस मान लो हम लास्ट तक आते आते हमारे कुछ चैप्टर ही छूट पाए तो हम उसको छोड़ देंगे, हम 60% सिलेबस करके भी एग्जाम में जा सकते हैं, क्योंकि ये हाफ ईयरली का काम है, है ना। अगर मान लो फाइनल की बात होती तो फाइनल के लिए भी मैं यही सजेशन दूंगा कि जो आता है वो तो अच्छे से कर लो, एटलीस्ट जितना आता है उतने तो मार्क्स लेकर आओ, नहीं तो क्या होगा कि जो नहीं पढ़ा कभी भी उसको पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ रखा है वो भी रह जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ऐसे केस में 60-40 की रेशियो पे आ जाओ, ताकि आप 60% जो आपने करा है वो उसको तो बेहतरी से कर सको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आपके साथ क्या होगा, मतलब कहते ना दो नाव में सवार वाली केस हो जाएगा, तो ना इधर के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे। और मैंने बताया इसे, ये पेपर आपने कितना पढ़ा है, कितने चैप्टर कंप्लीट किए, उसका नहीं होता, ये होता है जितना तुमने पढ़ा है उसको तुम कितने अच्छे से लिख पा रहे हो, बिल्कुल वो एग्जाम है, वही टेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप मान लो 50 के 50 चैप्टर करने के बाद भी आपको एक भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, फिर जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिलेंगे। तो आप भली 50 पूरे कर लेना, पर पहले प्लान ऐसे करो कि तुम 50 में से 30 चैप्टर पहले निपटा लो बहुत अच्छे से, इतना टाइम तो है, आराम से समय निकालो 30 चैप्टर निपटा लो, उसके बाद टाइम बचता है तो हम बाकी के जो चैप्टर जितने हम कर सकते हैं मैक्सिमम उतने करेंगे, ठीक है। लेकिन 50 को निपटाने के चक्कर में बस पन्ने से हवा में नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि ऐसे उड़ाएंगे तो फिर हमारे मार्क्स उड़ते हुए।